संभल में भेड़ी के गले में घंटी बांधने के मामले में वन विभाग ने FIR दर्ज कराई है। अब वन विभाग भेड़िए को खोजने में जुट गया है, जिससे घंटी खोलकर उसे सामान्य जीवन दिया जा सके। आपको याद दिलाते चले कि भेड़िए से खौफ ज्यादा रजपुरा थाना के गांव रामपुर खादर के ग्रामीणों ने भेड़ियों को पकड़कर उसके गले में घंटी बांध दी थी, ताकि भेड़िए के आने की खबर मिल जाए और भेड़िए से बचा जा सके। भेड़ी के गले में घंटी के वीडियो वायरल हुए थे। अभी तक सिटी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। इसके बाद वन विभाग हरकत में आया और घंटी बांधने को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन माना। वन विभाग के चौकीदार ने चार ग्रामीणों के खिलाफ इस मामले में रजपुरा थाने में चार नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। DFO का कहना है कि घंटी बांधने के बाद भेड़िया शिकार नहीं कर पाएगा। FIR के बाद वन विभाग की प्राथमिकता भेड़िए को खोजने पर है, जिसे पकड़कर उसके गले से घंटी खोल दी जाए और भेड़िया सामान्य जीवन जी सके। फिलहाल भेड़िए को घंटी बांधकर अभियुक्त बने ग्रामीण हैरत में हैं कि उन्होंने अपनी और अपने पशुओं की सुरक्षा में घंटी बांधी, मगर कानून तो कानून है, जिसके फंदे में फंसने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी तय समझी जा रही है। भेड़िया के गले में घंटी बांध के तो क्या पूरा मामला है? ये पूरा प्रकरण ये है, हमारे यहाँ रजपुरा थाने के अंतर्गत कुनौर क्षेत्र में एक रामपुर खादर गांव है। वहाँ पर वीडियो के अनुसार कुछ लोगों ने एक भेड़िया जो उनके उसमें फेंसिंग में फंस गया था, तार फेंसिंग में, उसको उन्होंने निकाला और उसको निकालने के बाद उन्होंने गलत काम के लिए कि उसके गले में घंटी बांधी, जैसा कि बताया जा रहा है। उसकी हम जाँच कर रहे हैं पूरी प्रकरण वास्तव में क्या है। इसके लिए कल मैं स्वयं मौके पर भी गया था, कुछ अपराधियों को चिन्हित भी किया है और उनके विरुद्ध थाना रजपुरा में और हम लोग विभागीय कार्रवाई भी कर रहे हैं। वन्य जीव अधिनियम की सुसंगत धाराओं में हमने कार्रवाई भी की है और उसको चिन्हित करके हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे सभी अपराधियों के विरुद्ध। सर, कितने लोगों को मुकदमा दर्ज हो चुका है? लगभग चार लोग तो हमारे नामजद हैं, बाकी कुछ अज्ञात हैं, उनको समय उसमें पहचान करके वीडियो वगैरह के आधार पर उसको और कार्रवाई की जाएगी। सर, जो भेड़िया घंटी बांधी है, उस भेड़िया की मिला या नहीं मिला भी? नहीं, उसी की तलाश हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए घंटी बांधने के बाद होता क्या है कि वो उसको शिकार करने में बड़ी असुविधा होगी और कालांतर उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं वहाँ पर पूरे क्षेत्र में, कि हम लोग उसको तलाश करके उसको जाल से पकड़ के उस घंटी को हटाएँ, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता है उसको हम सामान्य जीवन दे पाएँ। ठीक, मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूँगा सभी।